फ्रेंड्स आज का गेम है A1 लखनऊ और गिन्नी भाई का क्लब है शेरे पंजाब, ये खड़ा है अभी हम आपको सारे में। और ये रहे हमारे डंपी भाई, छोटू भाई, गौरव भाई, गौरव झटका के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। पिछला गेम आपने देखा था, काफ़ी बढ़िया पतंग उड़ाई थी, 3:30-4 बजे इनकी पहली पतंग कटी थी। और अभी दो प्लेयर यहाँ बाकी हैं, कुणाल भाई नीचे से लड़ा रहे हो, दो पेच काट चुके हैं जो कि कैप्टन है A1 के, और आशु और लाला अभी आए नहीं है। और दूसरी टीम से हम आपको मिलवा देते हैं कुछ पेच कवर करके। तो शेरे पंजाब की ओर से ऊपर से आए फरहान भाई, सही कहते हुए पेच सही हो गया, नीचे से कुणाल भाई, तीसरा पेज हमने लड़ा रहे हैं A1 के लिए। अंदर के मुड्डे पे जगह लेता है, सीधा मुड्डा उतारा फरहान भाई ने, चूसके ऊपर रोकने की कोशिश ले, लेकिन तेज तेज थपिया हमारे कुणाल भाई ने, सीधा मुड्डा उतार रहे थे फरहान भाई, ये पेज कट गए। और तीन पेज अपने पूरे कर लिए हैं कुणाल भाई ने A1 लखनऊ के लिए। तो 14 पेज रोकने के लिए आ गए हैं वसीम भाई, जो कि दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा मशहूर चरखी मेकर हैं और ये यही चरखियाँ बनाते हैं। तो अभी इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। शेरे पंजाब की ओर से लड़ा रहे हैं और देखते हैं अब की बार कुणाल भाई अपना 14 पेज पूरा कर पाएंगे या वसीम भाई रोकेंगे। चरखी का भी काम है और पतंग भी बहुत बढ़िया लड़ाते हैं। तो नीचे से जगह लेते हुए कुणाल भाई और ऊपर से पतंग का मुड्डा रखते हुए धीरे धीरे वसीम भाई बीच में अपनी पतंग उतारा, काफ़ी ऊंचा करके चढ़ा के मुड्डा दिया कुणाल भाई ने, क्रॉस मुड्डा बनाया, उसी को ताकत से मारा, अंदर पट पे खींचा है कुणाल भाई ने, दोनों लोग खींचते हुए दोनों की पतंगे पट पे काफ़ी करीब आए, रुक गए, थपकियों पर पतंग को उठाया, कोई काट काट नहीं हुई, काफ़ी नीचे पतंगे दोनों आ गई। 350 मीटर की रेंज होगी और काफ़ी ज़्यादा राइट हैंड की तरफ हवा दबी है। और नीचे इंटरनेशनल काइट क्लब लखनऊ और मुरादाबाद का कोई क्लब लड़ रहा है, तो इनकी अपडेट भी अभी देंगे कौन लड़ा रहा है, और 3-4 बजे ये भी बताएंगे कौन कितने टिकट से आगे चल रहा है। पेस सही चल रहा है दोनों के बीच में, ऊपर से वसीम भाई अपनी पतंग को लगाए हुए हैं और नीचे से कुणाल भाई थोड़ा सा पतंग को लंबे करते हुए काफ़ी ज़्यादा अंदर के मुड्ढे पे चढ़ा के फिर से मुड्ढा लिया कुणाल भाई ने, अंदर की तरफ वसीम भाई उतरते हुए बाहर के पट पे ताकत से थपकियाँ मार रहे और सीधी पतंग उतार रहे वसीम भाई, फिर से ये पेज कटे लेकिन बाहरी के मुड्ढे पे कुणाल भाई की पतंग भी टूट गई। तो पेज बराबर हो गया, पेज तो काटा लेकिन पतंग उसी वक्त चली गई और चांस रहेगी A1 लखनऊ के पास, अगर चाहे तो नीचे से लड़ा सकते हैं। और ये है शेरे पंजाब काइट क्लब दिल्ली और जो कि तीसरे दिन का गेम है। और ये रहे हमारे गिन्नी भाई, कैसे गिन्नी भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए सर। और बताइए कैप्टन कौन है आपके क्लब में? कैप्टन वो रहे खड़े में दीपक भाई। अच्छा दीपक भाई, ये अपनी पतंग को लंबे कर रहे हैं दीपक भाई। और तो कौन कौन प्लेयर है गिन्नी भाई, जरा बता दीजिए, नाम बता दीजिए सबके। देखिए जी बादशाह खान। अच्छा जी देखिए बादशाह जी है, पेज पे पहुँच रहे हैं। और वसीम भाई जो उनको बताया था चरखी वाले काफ़ी फेमस, अभी इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराएंगे हम। और गिन्नी भाई, गिन्नी आप ये जो आपको कैमरे में दिख रहे हैं ये काफ़ी मशहूर है दिल्ली का नाम गिन्नी भाई। वसीम भाई ये रहे, ये शेफ है, इनसे आप खाना बनवा सकते हैं। और डमरू भाई, डमरू भाई, तो डमरू भाई का नाम डमरू भाई कैसे, कुछ इसके बारे में बताइए। प्यार में डमरू भाई है, धीरज नाम है, धीरज चौहान नाम है, फादर भी बड़े पुराने पतंगबाज है दीवान जी के टाइम के। अच्छा अच्छा, मतलब वो भी शौक याद है। हाँ, अच्छा ये दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी आ जाए पतंगबाज, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना डमरू भाई, आएगी तीसरी पीढ़ी? बिल्कुल आएगी, खानदानी शौक है। तो बढ़िया गेम लड़ रहा, थर्ड डे का गेम है शेरे पंजाब काइट क्लब का A1 लखनऊ से। और 3:30 बजे तक हम आपको अपडेट देंगे किसके पास, नहीं 4 बजे तक अपडेट देंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट गेम शुरू हुआ है, तो देखते हैं किसके पास कितना टिकट आते हैं। और आगे भी ये गेम लड़ रहा है इंटरनेशनल का मुरादाबाद से। तो ऊपर से आ गए हैं गौरव भाई, गौरव उर्फ झटका, पिछले गेम आपने देखा था झटके मारते हुए बढ़िया पे लड़ाया था अजहर भाई के खिलाफ, टीम थी आकाश दिल्ली, सारे प्लेयर काफ़ी मजबूत थे। और अब की बार शेरे पंजाब की ओर से बादशाह भाई, और बादशाह भाई भी काफ़ी मशहूर हैं दिल्ली में पतंगबाजी में। तो नीचे से जगह लेते हुए बादशाह भाई, ऊपर से अपनी पतंग का मुड्डा रखते हुए गौरव भाई, पेज सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया है, अंदर के मुड्डे पे पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ थोड़ा सा पतंग निकला, बादशाह भाई की पतंग भी मीडियम लग रही है। और गौरव भाई का जैसा आपने पेज पिछली बार देखा था सही होने के बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए अंदर के मुड्डे पे पतंग को उतारते हुए लगातार पतंग को उतार रहे हैं। रेंज थोड़ी सी कम हो रही है, 250 मीटर से 300 मीटर के करीब रेंज होगी, बीच में अपनी पतंग को उतारा, ताका से गद्दा मार दिया, अब की बार अंदर के मुड्ढे आया और जैसे ही झटका मारा बाहर की तरफ सल्ला खींच के बादशाह भाई ने पेज गौरव भाई को बढ़िया पेज काट दिया। तो एक पेज पूरा हो गया है बादशाह भाई का शेरे पंजाब दिल्ली के लिए। तो ऊपर से कुणाल भाई दूसरा पेज, पेज सही हो गया है,
मुद्दा रखा, बादशाह भाई ने काफ़ी ऊंचा करके मुद्दा दिया, क्रॉस पट पे फिर से खींच रहे हैं, ताकत लगाई कुणाल भाई ने लेकिन कट गए। तो क्रॉस पट पे फिर से दोबारा से खींचते हुए बादशाह भाई ने अपने दो पेज पूरे कर लिए हैं शेरे पंजाब दिल्ली के लिए। देखिए हमारे वसीम भाई लकड़ी वाला बैग, किसका लकड़ी वाला बैग है? ये मेरा है। इतना भारी बैग है, बड़ा मेहनत का फूल है, बिल्कुल फूल है, बिल्कुल लगता है लोगों को। ये देखिए इधर से दिखाते हैं हम आपको, एक बैग ये देखिए है और एक बैग और है लकड़ी। ये दूसरा बैग किसका है? ये दीपक भाई का। अच्छा ये दीपक भाई का, ये कैप्टन साहब का है, दीपक भाई का, और बढ़िया बैग है। तो कुछ फायदा है इस बैग का? पतंग फटती नहीं है ना इसमें, पतंग नहीं फटती ना, पत्ते वत्ते खराब होते हैं। हाँ ये खासियत है क्योंकि बैग दबता नहीं है, पतंगे फटती नहीं है, काफी बचाव हो जाता है इस लकड़ी वाले बैग से। तो वसीम भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दीजिए जिससे आपसे कोई अगर चरखी बनवाना चाहे तो किस नंबर पे बात करे। मेरा नंबर है 9210776780। और ये व्हाट्सएप पे भी है जी। चलिए तो दिल्ली में जो भी काफ़ी बढ़िया चरखियाँ बनती हैं, फैंसी चरखियाँ बनती हैं, वो हमारे वसीम भाई बनाते हैं। और देख सकते हैं कुछ चरखियाँ रखी हैं, ये सब वसीम भाई की बनाई हुई है। ये देखिए फैंसी चरखियाँ हैं, ये सब वसीम भाई की बनी हुई है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया। तो इस तरह की चरखियाँ बनती, देखिए एक और दिखा रहे हैं, इस तरह की चरखी बना सकते हैं, फोटो वाली चरखी ये भी बना सकते हैं। तो ये रहा भाई गिन्नी भाई, गिन्नी भाई आप बताइए, ये वसीम भाई आपको चरखी अरखी दे रहे हैं बना के? बिल्कुल चरखी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। ये देखिए अच्छा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लब वालों के लिए तो बढ़िया काम है, एक नंबर की चरखियाँ आपको मिली। कॉन्टैक्ट में नंबर प्रोवाइड कर दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चरखियाँ बनवा सकते हैं। और ये सारे मेंबर और दीपक भाई हमारे साथ है, दीपक भाई से हम कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, आप शेरे पंजाब से भी शौक कर सकते हैं। दो दिन का जो शौक हुआ है उसमें बढ़ पे है, जीत पे है शेरे पंजाब, और थर्ड डे का गेम है। तो दीपक भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए। अच्छा स्टीकर पे, ये देखिए बड़ा आसान हो जाएगा, ये देख सकते हैं दीपक शेरे पंजाब काइट क्लब दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं और शेरे पंजाब के दीपक भाई से कॉन्टैक्ट करके गेम तय कर सकते हैं। तो दीपक भाई आपकी यही टीम रहती है या टीम बदलती बदलती है? यही टीम रहती है, कहीं भी बाहर जाए? बाहर जाता हूँ मैं शेरे पंजाब। और जो आपके क्लब में शेफ है वो खाना वाना देते हैं? अच्छा ही लाते हैं कुछ बना के, पत्ती अत्ती लगा के? अब ये तो फूल पत्ती लगा के लाते हैं कुछ तो चलते हैं बादशाह भाई के तीसरे पेज पे। और नीचे से जगह लेते हुए बादशाह भाई अपने तीसरे पेज के लिए ऊपर से आ गए हैं छोटू भाई, ये देख सकते हैं, और ये लालू के बड़े भाई हैं, नाम छोटू है। पिछले गेम में देखा था आपने, इन्होंने आखिरी पतंग उड़ाई थी और तीन पेज काटे थे, अब की बार देखते हैं कितने काटेंगे आज के दिन। निकलता हुआ बूढ़ा बनाया छोटू भाई ने, बादशाह भाई ने भी बाहर का मुंडा बनाया, बादशाह भाई की पतंग थोड़ी कम है। फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए बादशाह भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते हुए छोटू भाई A1 लखनऊ के लिए। बादशाह भाई नीचे से कोनी कराते जा रहे हैं, टेढ़ा कराने की पूरी कोशिश, बादशाह भाई की पतंग थोड़ी कम है। निकलता हुआ मुंडा बनाया छोटू भाई ने, डबल करते हुए पतंग को खींच रहे हैं, बादशाह भाई ने डबल होती पतंग को खींचा नहीं, जाने दिया। फिर से अंदर की तरफ मुंडा रख रहे हैं, निकलती फिर से बनाई, वो मूड लग रहा है छोटू भाई का एकदम डबल करके लड़ाने का। सीधा मुड्ढा उतारा छोटू भाई ने, बादशाह भाई रोके हैं, रोक के बाहर की तरफ खींचा, तेज तेज झटके मार रहे हैं, डबल करते हुए उठा रहे थे अब की बार फिर से, और कट गए छोटू भाई। तो तीन पेज अपने पूरे कर लिए बादशाह भाई ने दिल्ली के लिए। चौथा पेज बादशाह भाई का दिल्ली के लिए, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए डंपी भाई धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए, बीच में थोड़ी सी बाहर की पतंग घूम के अंदर की तरफ आ रही, बाहर की तरफ खींचा बादशाह भाई ने, अंदर की तरफ ताकत से खींचा डंपी भाई भी, लेकिन ये पेज करते। तो चार पेज पूरे हो गए हैं बादशाह भाई के दिल्ली शेरे पंजाब के लिए। ऊपर से आए पांचवे पेज पे कुणाल भाई कैप्टन A1 के, रोकने के लिए बादशाह भाई को पांचवे पेज के लिए बादशाह भाई जगह लेते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊंचा करते चले जा रहे हैं। कुणाल भाई ने अपनी पतंग को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा करा, थोड़ी भारी पतंग है और बढ़ करके लड़ा रहे हैं, देखते हैं अब की बार कैसे काटेंगे। बादशाह भाई अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं जिससे ज़्यादा अंदर की तरफ ऊपर से मुड्ढा ना रख पाए कुणाल भाई, ऊंचा करते चले जा रहे हैं। कुणाल भाई भी एकदम गर्दन के पास अपनी पतंग को बनाए, कुणाल भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है, बाहर का मुड्ढा बनाया, बादशाह भाई ने रोका, दोनों लोग रोंगे, तो बाहर के मुड्ढे पे ताकत से कुणाल भाई ने फिर से खींचा, बाहर के मुड्ढे पे जैसे अब की बार खींचा बादशाह भाई ये पेज कट गए। तो एक पेज हो गया कुणाल भाई का A1 के कैप्टन पे, सही सही होते ही कुणाल भाई ने अपनी पतंग सीधे कदम मारा, रोका, डबल करते हुए उठा रहे हैं, फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए पतंग को अपनी चक्रों पर छोड़े हुए हैं, बाहर का मुड्ढा खींचा, नीचे से वसीम भाई लड़ा रहे हैं, वसीम चरखी भाई डबल करते हुए खींचा कुणाल भाई ने, काफ़ी ऊँचे पे पेज लड़ रहा है, 350 मीटर की रेंज होगी। अंदर की तरफ कुणाल भाई अपनी पतंग को उतारते जा रहे हैं, नीचे से जगह लेते हुए वसीम भाई, थोड़ी सी वसीम भाई की पतंग बढ़ है, कम करके अपनी पतंग को उतारते हुए कुणाल भाई निकलता मुड्ढा ताकत से बनाया, उसी को भरा पट पे खींचा वसीम भाई ने, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए क्रॉस पे गई वसीम भाई की पतंग, लेकिन कट गए। तो काफ़ी कम पतंग से ताकत से गद्दा लगा के काट दिया, और तीन पेज अपने पूरे कर लिए कुणाल भाई ने, लेकिन पतंग थोड़ी सी अंदर थी इस वजह से कुणाल भाई अपनी पतंग को ऊपर से लड़ाने के लिए आ गए थे, और लेकिन काट दिया और चांस दे दी है
लाला को, लाला भाई आ गए हैं, अब ये जाएंगे नीचे से लड़ाएंगे। भैया सही, नीचे से लाला अपना पहला पहला आते हुए, ऊपर से बादशाह भाई थोड़ा सा बड़ पतंग से निकलता हूँ, डबनाया लाला ने भी बाहर से ताकत से खींचा, बाहर का बड़ पतंग से गद्दा मारा है बादशाह भाई ने, दोनों लोग खींच रहे हैं, बढ़िया पेज ये काट दिया, काफ़ी नीचे पतंग आ गई और ये मुड्ढा उठाया, तो एक पेज काट दिया है बादशाह भाई ने शेर पंजाब दिल्ली के लिए। नीचे से बादशाह भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं और ऊपर से रोकने के लिए आ गए हैं कुणाल भाई कैप्टन एवन के। इस पतंग से तो चौथा पेज होगा, लेकिन क्योंकि रोक रोक के चांस दे रहे हैं तो हर बार एक ही काउंट होगा, देखते हैं अब की बार काट के किसी को चांस दे पाते हैं कि नहीं। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए और नीचे से बादशाह भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, कोनी करा के धीरे धीरे पतंग को ऊंचा करते रहा, थोड़ा गर्दन के पास अपनी पतंग को लेके पहुंचे, उसी को ताकत से मारा, पतंग सीधी और ही भाग तब खींचा, तेते झटके मार दिए और बढ़िया पेज ये काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए शेर पंजाब दिल्ली के लिए। तीसरा पेज रोकने के लिए आ गए हैं एवन की ओर से गौरव भाई, गौरव झटका, चलते हैं पेज पे, भारी पतंग उड़ाते हैं ज़्यादातर और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए नीचे से जगह लेते हुए बादशाह भाई शेर पंजाब दिल्ली के लिए तीसरा पेज ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते जा रहे हैं। थोड़ी सी पतंग कम है गौरव भाई की और नीचे से जगह लेने लग गए हैं बादशाह भाई दिल्ली के मेंबर। पेज अभी सही नहीं हुआ, काफ़ी दूरी है, पतंग को रोके हुए हैं गौरव भाई, धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए बीच में अपनी पतंग को बिल्कुल उतारते हुए नीचे से जगह लिए और राइट हैंड जिधर शेर पंजाब लखनऊ खड़ा है उस तरफ की ओर आज ज़्यादा हवा दबी है। सही की आवाज़ दे दी, पेज सही हो गया है, कोई जल्दबाजी नहीं, नीचे से जगह लिए हैं, थोड़ी थोड़ी रेंज को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं गौरव भाई आगे बढ़ते हुए और पटाव बनाते जा रहे हैं। अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए गौरव भाई और एकदम समझ लीजिए इतना आगे चले गए हैं जैसे लग रहा हो, नीचे का पेज एक बार हम जल्दी से दिखा देते हैं, ये देखिए ये आगे खड़े हैं गौरव भाई ऊपर के पेज के लिए और ये पीछे आ गए हैं थोड़ा सा बादशाह भाई, तो कुछ इस तरह से पेज हो रहा है, मुड्ढा रखते ही काट होनी चाहिए, देखते हैं कौन काटेगा कौन काटेगा। अंदर के मुड्ढे को उतारा, जैसे ऊँचा करा अंदर के मुड्ढे, फिर से ताकत से उतारा, भाग तब थपकिया मार रहे हैं बादशाह भाई और रखते ही देखिए गौरव भाई ये पेज कट गए, तो तीन पेज हो गए हैं बादशाह भाई के शेर पंजाब दिल्ली के लिए। तो तीन पेज काटे हैं बादशाह भाई ने और इवन की ओर से हो रहा है कि आपकी पतंग हल्की अंदर की है या कह सकते हैं दो मुही टाइप में पतंग है, तो खींचने के लिए कहा जा रहा है, लाला भाई पेज पे हैं, देखते हैं कोई खींचने जाएगा कि नहीं जाएगा, तो साकिब को भेजा जा रहा है इवन की ओर से पतंग खींचने के लिए, तो ये जा रहे हैं दौड़ के, देखते हैं साकिब भाई पतंग अंदर की बना पाएंगे कि नहीं, यह पतंग एकदम सही है बादशाह भाई की शेर पंजाब दिल्ली, चौथा पेज लड़ाना है बादशाह भाई को, पतंग सही होगी तो चौथा लड़ाएंगे वरना रोके जाएंगे या फिर अपनी पतंग को ऊपर से कंटिन्यू करना होगा बादशाह भाई को। चल के पतंग भी देख लेते हैं कैसी है, पहुंच गए हैं साकिब दौड़ के, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट आज गेम शुरू हुआ 1:30 बजे, तो पतंग देख लेते हैं बादशाह भाई की, ये पतंग लगी हुई है नीचे कर रहे हैं, सीधा गद्दा बनाया, पतंग सीधी उतर रही है कहीं नहीं जा रही है, तो बल्कि कह सकते हैं यहाँ से देखने में जिस तरह से मुड्ढा उतरा उस तरह से लग रहा है पतंग बाहर की है। अब खींचेंगे साकिब ताकत से तब पता चलेगा, दो मुही कही जा रही है मतलब हल्के हाथ से अंदर ताकत से बाहर, ताकत से पतंग खींचे और पतंग बाहर की हो गई, फ्रेंड्स बाहर की है पतंग, देखिए रुक गए साकिब, पतंग सही है, लड़ाएंगे बादशाह भाई से अपना चौथा पेज, नीचे से लाला ऊपर से फरहान, पेज सही हो गया है, ऊपर से फरहान भाई अंदर की तरफ मुड्ढा रखते हुए नीचे से लाला जगह लेते चले जा रहे हैं, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए फरहान भाई ताकत से जगह लेते हुए बीच में अपनी पतंग को उतारा, निकलता हुआ फरहान भाई ने बनाया करीब पर रोका, रोक के फिर से निकलता हुआ बनाया, भाग दब जैसे ही लाला ने खींचा कट गए, ताकत वाले पेज में फरहान भाई ने एक पेज काट दिया है, देखते हैं खुद लड़ाएंगे शेर पंजाब दिल्ली की ओर से या किसी और को चांस देते हैं, और फरहान भाई ये है रेड टी शर्ट वाले और आगे अभी कोई नहीं बढ़ रहा, तो शायद खुद ही जाएंगे अपनी चरखी करके फरहान भाई नीचे का पेज लड़ाने के लिए। तो फरहान भाई शेर पंजाब दिल्ली के लिए नीचे से आ गए हैं और दूसरा पेज अपना लड़ा रहे हैं, ऊपर से पहुंच गए हैं आशु, आशु भाई ने एक पेज काटा था और चांस दी थी लाला को, गेम लेट होने की वजह से काफ़ी कम पेज होंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आज इस गेम में पेज कवर करने की कोशिश करते हैं और हो सकेगा तो वो 3 बजे है अभी, 5 बजे तक ही ज़्यादातर गेम लड़ता है 5:15 तक, सारे पेज कोशिश करेंगे कवर करें। नीचे से पतंग को चमकाते हुए फरहान भाई और बीच में अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके उतारते हुए आशु एवन लखनऊ के लिए,
अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते जा रहे हैं। निकलता हूँ, मुड्ढा बनाया, करीब करके रोका, थोड़ा सा पट पे करके फरहान भाई ने खाली कराया और नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे पतंग के साथ में। आशु रुक के वापस अपनी पतंग को उठाते हुए फरहान भाई जगह बनाए हुए हैं अंदर के, थोड़ा सा मुड्ढा करके पतंग को चमकाते हुए बीच में अपनी पतंग को उतारा। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से भरते हुए फिर से पट गए अंदर के मुड्ढे पे, ताकत से खींचा, देते झटके मार पेज काट दिया फरहान भाई ने और दो पेज अपने पूरे कर लिए शेर पंजाब दिल्ली के लिए। और फ्रेंड्स, इधर हमारा लखनऊ का इंटरनेशनल काइट क्लब का गेम चल रहा है मुरादाबाद की टीम से। ये रहे हमारे सारे प्लेयर्स, उस्ताद ये देख सकते हैं, ये हमारे रंजन भाई। रंजन भाई शौक करेंगे आज? हाँ जी सान भाई, नहीं अभी तो टिकट की जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब अभी तो शुरुआत है गेम की। शुरुआत है। और अपोजिट में मुरादाबाद की टीम है, ये है आशु भाई नादरगंज वाले, ये रहे हमारे विक्की भाई। और मुरादाबाद में कौन सी टीम है ये भी हम लोग देख लेते हैं। 4 बजे हम आपको टिकट की अपडेट भी दे देंगे। और इसमें एक प्लेयर पहले ही आप देख चुके हैं, इमरान उर्फ इम्मा भाई, जो कि दिल्ली की टीम की ओर से आए थे। और ये एक चेहरा आप पहचानते होंगे, जो दिल्ली का चेहरा था और आज मुरादाबाद का चेहरा है, हमारे इमरान भाई उर्फ इम्मा भाई। क्या हाल? बढ़िया। और अपनी टीम बना के आए हैं मुरादाबाद से और गेम उस्ताद से, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब लखनऊ से हो रहा है। ये सारे प्लेयर्स हैं उनके, हमारे जैद भाई भी वीडियो बना रहे हैं और जावेद भाई। अच्छा, प्लेयर के नाम बता दीजिए। शाज़िब। अच्छा, मोइन भाई। अच्छा, और भाई का नाम? बिलाल भाई। और जो अभी लड़ा रहे थे भाई हमारे, और ये हमारे पतंग लंबे कर रहे हैं लालू भाई। ये मुरादाबाद की सारी टीम है और इमरान भाई अपनी टीम खुद बना के आए हैं। तो गेम कैसा चल रहा है इमरान भाई आपका? बढ़िया चल रहा है। चलिए, 4 बजे हम आपको अपडेट करेंगे इंटरनेशनल से और मुरादाबाद के बीच की टिकट की, और चलते हैं वापस अपने गेम की तरफ। नीचे से आशु, ऊपर से बादशाह भाई। बादशाह भाई ने सीधा मुड्ढा रखा, आशु ने बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से रहा, क्रॉस मुड्ढा मारा बादशाह भाई ने, लेकिन बादशाह भाई ये पेज कट गए। तो 2 पेज हो गए हैं आशु का A1 लखनऊ के लिए। तो 3रा पेज रोकने के लिए आशु को आ गए दीपक भाई, कैप्टन शेर पंजाब दिल्ली। चलते हैं पेज पे और नीचे से जगह लेते हुए आशु सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया है। नीचे से आशु जगह लेते जा रहे हैं, 350 मीटर की रेंज ताका से जगह लेते हुए अपनी भारी पतंग को गर्दन की तरफ उतारते हुए दीपक भाई, देखते हैं कैसे काटेंगे या आशु अपना 4 पेज पूरा करेंगे। ताका से जगह लेते जा रहे हैं, नीचे काफ़ी पेज आ गया है, गर्दन की तरफ भागते हुए दीपक भाई शेर पंजाब दिल्ली काफ़ी ज़्यादा जगह ले ली है। मोहर का मुड्ढा ना, उसको ताकत से किया, सीधी पतंग जैसी रखी दीपक भाई ने, ये कट गए। तो 4 पेज पूरे कर लिए हैं आशु ने A1 लखनऊ के लिए। तो आशु भाई ने 4 पेज काटे और शेर पंजाब की ओर से पतंग को खींचने के लिए गया, तो पतंग बाहर की तरफ ज़्यादा राउंड कर रही है जिसकी वजह से आशु भाई पीछे आ रहे हैं। और कुणाल भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए दूसरी पतंग देंगे आशु भाई के हाथ में। देखिए, सती तोड़ के ले जा रहे हैं, एक दूसरी पतंग है और जिस पतंग से आशु भाई लड़ाए थे 4 हुए थे उसको वापस दे देंगे कुणाल भाई के हाथ में। तो देखते हैं दूसरी पतंग से कितने और पेज काट पाएंगे आशु भाई A1 लखनऊ के लिए। और ऊपर के पेज के लिए ये हमारे फरहान भाई आ गए हैं शेरे पंजाब की ओर से और एक बहुत बढ़िया शेफ हैं ये दिल्ली में। नीचे से आशु दूसरी पतंग से फिर से पेज ले रहे हैं, ऊपर से फरहान भाई आ गए हैं। अब दोनों का इस पतंग से होगा पहला पेज। आशु ने काफ़ी अंदर ज़्यादा मुड्ढे पे चढ़ाते हुए भारी पतंग उड़ाए, फरहान भाई ऊँचा करते जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते हुए। निकलता हूँ मुड्ढा बनाया फरहान भाई ने, करीब करा डोरों पर रखा, भागता आशु ने खींचा, वैसे ही उठा लिया फरहान भाई ने, थोड़ा गर्दन के पास से पेज हो रहा है। फिर से अंदर की तरफ आशु भाई ने ताकत से खींचा, निकलता हूँ फरहान भाई ने बनाया और रोके हुए हैं और ये बाहर की तरफ खींचते हुए फरहान भाई ने काट दिया आशु भाई को। तो 1 पेज हो गया है फरहान भाई का शेर पंजाब दिल्ली के लिए। तो डमरू भाई आ गए हैं शेर पंजाब के लिए और बहुत बढ़िया पतंग लाते हैं इन्होंने जो सीज़न में आए हैं और जो राउंड है 3rd, इससे पहले शायद 7 भी काटा है, बढ़िया 7 काटे हैं। चलते हैं इनके पेज पे और देखते हैं किस तरह से पतंग लाते हैं हमारे शेर पंजाब दिल्ली के डमरू भाई। ऊपर से कुणाल भाई आ गए हैं और नीचे से डमरू भाई अपनी पतंग से जगह लेते हुए बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए कुणाल भाई सही की आवाज़ दी, पेज सही। नीचे से डमरू भाई जगह लेते चले जा रहे हैं, बाहर का मुड्ढा लिखाया, रोके हुए हैं बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए कुणाल भाई, कैप्टन A1 लखनऊ के, अपनी पतंग को ऊंचा करते चले जा रहे हैं, शायद रेंज कम कराना चाह रहे हैं, अपनी पतंग को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ले गए हैं। अब फिर से मुड्ढा बनाया धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए और नीचे से डमरू भाई अपनी पतंग को चलाते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं धीरे धीरे बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए कुणाल भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा के जगह लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं डमरू भाई शेर पंजाब दिल्ली के मेंबर। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए 300 मीटर की रेंज होगी, लेकिन अभी भी रेंज को कम करते हुए कुणाल भाई कैप्टन A1 लखनऊ के भारी पतंग उड़ाए हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, थोड़ी सी पतंग बढ़ है डमरू भाई की
बाहर की तरफ खींचा, रुके, फिर से बाहर की तरफ खींचना, अंदर के मुंडे पे ताकत से खींचते हुए कुणाल भाई, फिर से निकलता हूँ मुंडा बनाया, रोका बाहर की तरफ डमरू भाई ने ताकत से खींचा, अंदर की तरफ दिखा के तेते झटके मारे और बढ़िया पेज डमरू भाई को काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया A1 लखनऊ के लिए। तो देखते हैं खुद लड़ाएंगे कंटिन्यू नीचे से या किसी को चांस देंगे। और लाला को फिर से चांस मिल गई है, लाला भाई का खाता नहीं खुला, तीसरा पेज होगा, तीसरी पतंग होगी इनकी, चाय वाली पेज होगा। तो देखते हैं चाय इनकी पकेगी पिलाएंगे या फिर बचा लेंगे। तो ऊपर का पेज रोकने के लिए आ गए हैं गिन्नी भाई और अपनी जी नाम वाली पतंग उड़ा रहे हैं और नीचे से हैं लाला, सही की आवाज़ दे दी है, चलते हैं जल्दी से पेज पे और ये दिखाते हैं। ये देखिए जी वाली पतंग है, भारी पतंग उड़ाए हैं गिन्नी भाई। तो देखते हैं अब की बार लाला भाई का अपना खाता खोलेंगे या गिन्नी भाई रोक लेंगे। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुंडा रखते हुए गर्दन की तरफ बढ़ते हुए अपनी भारी पतंग को लेकर गिन्नी भाई टेढ़ा कराया, लाला ने बाहर की तरफ खींचा और ये गिन्नी भाई पतंग कट गए। तो एक पेज हो गया है लाला का A1 लखनऊ के लिए। बार फरहान भाई आ गए हैं रोकने के लिए लाला को दूसरे पेज पे, ऊपर का पेज काट रहे हैं और चांस दे रहे हैं, की बार देखते हैं काट के किसको चांस दे पाते हैं। और बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए फरहान भाई दिल्ली शेर पंजाब और नीचे से लाला A1 लखनऊ, 300 मीटर की रेंज होगी। नीचे से लाला अपनी पतंग का मुंडा दे रहे हैं, अंदर के मुंडे पे ऊंचा करते जा रहे हैं और इंटरनेशनल की पतंग आई इस वजह से पतंग को हटाते हुए, ऊपर जो पतंग गद्दा पड़ रहा था वो इंटरनेशनल की है जो साइड में लड़ रहा है इंटरनेशनल वर्सेस मुरादाबाद, पतंग को बचाया, दोबारा से जगह ले रहे हैं, जगह लेते चले जा रहे हैं। और बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं फरहान भाई, धीरे धीरे पतंग को नीचे कर रहे हैं, पेज अभी सही नहीं हुआ है। पेज सही हो गया फ्रेंड्स। नीचे से लाला जगह लेते चले जा रहे हैं और थोड़ा सा गर्दन की तरफ अपनी भारी पतंग को बनाए हुए हैं, लाला ताकत से जगह लेते हुए अंदर के मोटे पे एकदम सल्ला करने के और अंदर की तरफ उतारा और डोर फेंक दी लाला ने और ये बढ़िया पेज डोर फेंकते हुए काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। तो ऊपर से वसीम भाई आ गए, नीचे से लाला अपना तीसरा पेज लड़ाते हुए, बीचों बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए वसीम भाई, रेंज कम होगी, लाला ने वो ऊंचा करके मुंडा दिया, रोका, अंदर की तरफ मुंडा दिखाया, रोका, बीचों बीच में अपनी पतंग को वसीम भाई ने उतारा, चक्करों पे डोर दी, क्रॉस मुंडा बनाया उसको ताकत से, बाहर की तरफ लाला भी ताकत से खींच रहे हैं और ये पेज काट के तीन पेज अपने पूरे कर लिए लाला ने A1 लखनऊ के लिए। तीन पेज काट चुके हैं और अब की बार फिर से आ गए हैं बादशाह भाई शेर पंजाब के लिए, सही हो गया है, जल्दी से चलते हैं पेज पे। नीचे से लाला जगह लेते हुए अपने चौथा पेज लड़ाते हुए जगह लेते जा रहे हैं अंदर के मुंडे पे, थोड़ा सा बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए बादशाह भाई पट पे करके थोड़ा सा खाली कराया, फिर भी ठीक ठाक ऊंचा मुड्ढा है, गद्दा मारने भर की जगह है, नीचे नीचे जगह लेते जा रहे हैं लाला और निकलता हूँ मुड्ढा, बादशाह भाई ने उसी को ताकत भरी, बाहर की तरफ लालन खींचा, डबल करते हुए अंदर के मुड्ढे पे खींचना बादशाह भाई और डबल हो गई है पतंग और ताकत से खींचते हुए, लेकिन फिर भी लाला भाई ने ये पेज काट दिया और चार पेज अपने पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। कम टाइम में पतंग लड़ रही है लेकिन शौक कम नहीं है, एक के बाद एक पेज तुरंत हो रहा है, एक मिनट के अंदर दूसरी पतंग आ जा रही है और ये देखिए फरहान भाई तुरंत अपनी पतंग लेके पहुंच गए हैं और इधर A1 की ओर से भी बाकी लोग पतंग को अपनी तैयार कर रहे हैं जिससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेज लड़ सके। तो चलते हैं पेज पे, पाँचवा पेज होगा लाला का A1 लखनऊ के लिए, आशु भाई साथ में बैठे हैं, लाला अपनी पतंग को पकड़े हुए हैं और देख रहे हैं पीछे की तरफ मुड़ के कि कौन लड़ा रहा है। तो फरहान भाई पहुँच गए और पतंग को थोड़ा सा बढ़ करते हुए फरहान भाई, पाँचवा पेज होगा, नीचे से लाला जगह लेने लग गए और ज़्यादा रेंज में पतंग नहीं लड़ रही है, लाला के पास से देखा जाए तो 250 मीटर होगी और फरहान भाई के लिए देखा जाए तो 300 मीटर के करीब होगी। पेज सही हो गया है, ऊपर से फरहान भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड्ढा बनाते हुए, नीचे से लाला अपनी पतंग को चमका रहे हैं ताकत से जगह लेते हुए, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए अपनी फरहान भाई पतंग को चमकाते हुए, दोनों पतंगें बराबर हैं। फरहान भाई थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए पतंग को चमकाते जा रहे हैं, निकलता हूँ मुड्ढा फरहान भाई ने बनाया, करीब करते जा रहे हैं, बाहर का मुड्ढा बनाया, क्रॉस मुड्ढा बनाया, पटका, रोका, रोक के सीधा मुड्ढा बनाया, बाहर की तरफ लाला भी ताकत से खींच रहा हूँ, आपकी बार लाला ही कट गए, ताकत वाले पेज में फरहान भाई ने काट दिया और पाँचवें पेज पर रोक लिया लाला को और एक पेज अपना पूरा कर लिया शेर पंजाब दिल्ली के लिए। तो ऊपर से कुणाल भाई, अब की बार देखते हैं काट के किसको चांस दे पाएंगे अपनी भारी पतंग से, और नीचे से फरहान भाई पहुँच गए अपने दूसरे पेज के लिए जगह लेते हुए, 350 मीटर की रेंज, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे उसी मुड्ढे को लेके चल रहे हैं, पतंग को चमकाते हुए फरहान भाई करीब करके चमका रहे, रोक के फिर से अंदर की तरफ मुड्ढा बनाते हुए कुणाल भाई A1 लखनऊ के कैप्टन, पतंग को अपनी चमकाते हुए फरहान भाई बाहर का मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतार रहे हैं, फिर से उठाने लग गए, कोई जल्दबाजी नहीं और थोड़ी सी पतंग कम है कुणाल भाई की फरहान भाई की पतंग से, फिर से निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, रोका, करीब करके रोक के फिर से उठाया और डोर फेंकी है,
देखते हैं कौन काटेगा आपकी बार। फरहान भाई क्या दो पेज पूरे कर पाएंगे कि नहीं। नीचे से जगह लेते हुए पतंग को चमका रहे हैं, थोड़ी सी पतंग बढ़ है, ऊंचा करते चले आ रहे हैं। अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारा, अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए बाहर के मुड्ढे पे तेज तेज थपकिया मारी, अंदर के मुड्ढे पे थपकिया मारी कुणाल भाई ने भी, और फिर से ये पेज काट दिया और रोक लिया फरहान भाई को दूसरे पेज पे। तो देखते हैं किसको चांस देंगे अब। कुणाल भाई ये रहे कैप्टन A1 के, और कोई आगे नहीं बढ़ रहा। लाला अपनी पतंग बढ़ा रहे हैं, अभी कट के पहुँचे थे, और आशु भाई की पतंग है, तो आशु भाई अब लड़ाएंगे नीचे का पेज। तो नीचे से आशु अपना दूसरा पेज ला रहे हैं, और ऊपर से रोकने के लिए आ गए हैं डमरू भाई। 350 मीटर की रेंज होगी, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए A1 के लिए दूसरा पेज लड़ा रहे हैं आशु। निकलता हूँ मुड्ढा डमरू भाई ने बनाया, उसी को ताकत से बल्ली अंदर की तब ताकत से आशु भी खड़ा खींचे, निकलती हुई पतंग जा रही, लेकिन कट गई डमरू भाई की पतंग। तो दो पेज पूरे कर लिए हैं आशु ने A1 लखनऊ के लिए। और तीसरा पेज आशु भाई का पेज सही, गर्दन के बाद ताकत से कदम मारा बाहर की तरफ, खींचा आशु भाई ने, तुरंत काट हो गई। तीन पेज पूरे हो गए हैं आशु भाई के A1 लखनऊ के लिए। तो देखते हैं अब की बार चौथा कौन मेंबर आएगा रोकने के लिए आशु भाई को शेर ए पंजाब दिल्ली की तरफ से। तो चौथा पेज रोकने के लिए आ गए हैं बादशाह भाई, बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए नीचे से कोनी करा के जगह लेते हुए आशु भाई। पेज सही चल रहा है, बीचों बीच अपनी पतंग को उतारते हैं, आशु भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से बल लिया, और कुछ करने से पहले ही बादशाह भाई ये पेज कट गया और चार पेज अपने पूरे कर लिए आशु ने A1 लखनऊ के लिए। तो पांचवा पेज रोकने के लिए आ गए हैं फरहान भाई शेर ए पंजाब दिल्ली की तरफ से, और इससे पहले ताकत से काटा भी था एक पेज, रोका था लाला को। तो अब की बार देखते हैं क्या होगा। फिर से है पांचवा पेज, और अब की बार हैं आशु A1 लखनऊ की तरफ से अपनी पतंग को धीरे धीरे उतारते हुए, और पतंग को बढ़ करते जा रहे हैं फरहान भाई दिल्ली शेर ए पंजाब के मेंबर। नीचे से जगह लेते हुए आशु भाई, और पतंग को अभी भी पढ़ कर रहे हैं और अंदर की तरफ अब जगह लेने लग गए हैं। तो नीचे से जगह लेते हुए अपने पांचवे पेज के लिए आशु भाई सही की आवाज़ दी है, तो पेज सही हो गया है। बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा बनाए हुए हैं फरहान भाई शेर ए पंजाब दिल्ली के मेंबर। आशु भाई का यह पाँचवा पेज है, काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पर पतंग को ऊँची करते जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को निकाला, गर्दन की तरफ बढ़ते हुए फरहान भाई शेर ए पंजाब दिल्ली के मेंबर थोड़ा पट पे करके खाली कराते जा रहे हैं, काफ़ी नीचे पेज आता जा रहा है, लेकिन उसी गर्दन के पास अपनी पतंग को बनाए हुए हैं। ताकत से आशु भाई जगह लेते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हुए गर्दन के पास मुड्ढा बनाया, फरहान भाई ने रोक के अंदर की तरफ दिखाया, आशु भाई ने बाहर की तरफ जैसे ही खींचा कट गए। तो रोक लिया पाँचवें पेज पे फरहान भाई ने आशु भाई को, और एक पेज हो गया शेर ए पंजाब दिल्ली के लिए। तो एक बार फिर से A1 के कैप्टन कुणाल भाई लगातार काट रहे हैं और अपने मेंबरों को चांस दे रहे हैं, शायद 4-5 पेज इस पतंग से काट चुके हैं, अब की बार देखते हैं काट के किसी को चांस दे पाते हैं कि नहीं। आशु भाई पहुंच गए वापस से पीछे पतंग बनाते हुए, और फरहान भाई ने रोका पांचवें पेज पे और चांस दे दी है बादशाह भाई को, सेम पतंग बादशाह भाई लेके अपने हाथ में पहुंच गए हैं। 350 से 400 मीटर की रेंज, सही की आवाज़ हो गई है। कुणाल भाई अपनी पतंग को फिर से अपनी रेंज में लाते हुए थोड़ा थोड़ा कम करते हुए 400 मीटर की रेंज को थोड़ा कम कराते हुए ऊपर ही ऊपर पतंग को तान के, लेकिन अब की बार बादशाह भाई पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए रुक गए एक जगह, काफ़ी ऊंचा करके रुक गए, 350 मीटर की रेंज होगी। ये देखिए फिर से देख सकते हैं पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊंचा करते जा रहे हैं, अब की बार थोड़ा सा उतर के अंदर की तरफ मुड्ढा नहीं रखने देंगे लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से कुणाल भाई काट रहे हैं। थोड़ा निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी आसमान में बनाया, रोका अंदर के मुड्ढे पे, फिर से पतंग को उतार रहे हैं बादशाह भाई भी, अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करे हुए हैं, भारी पतंग है कुणाल भाई की, अंदर की तरफ उतार के थपकियां मार रहे हैं बादशाह भाई, अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए बादशाह भाई की पतंग काफ़ी ज़्यादा बढ़, कुणाल भाई अपनी पतंग को कम कराते हुए अंदर की तरफ उतर रहे हैं। 250 मीटर की रेंज होगी, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका, फिर से अंदर के मुड्ढे पे पतंग को बना रहा कुणाल भाई, फिर से निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, करीब करा, रुक के उठा लिया बादशाह भाई अपनी पतंग को एक ही जगह चला रहे हैं, और बादशाह भाई की पतंग कम से कम 20 मीटर बढ़ होगी कुणाल भाई की पतंग से, और काफ़ी पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। अभी भी बादशाह भाई अंदर के मुड्ढे पे धीरे धीरे कुणाल भाई पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ, बादशाह भाई ने मुड्ढा बनाया, उसको ताकत लिया, निकलता हुआ अब की बार कुणाल भाई ने भी मुड्ढा बनाया, उसको ताकत किया, तेज झटके मारे, लेकिन अब की बार झटके काम नहीं आए, सलग बाहर की तरफ खींचते हुए थोड़ी सी पतंग पट गई, बादशाह भाई ने पेज काटा और एक पेज अपना पूरा कर लिया शेर ए पंजाब दिल्ली के लिए। पेज सही हो गया, नीचे से बादशाह भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं शेर ए पंजाब दिल्ली के लिए, और ऊपर से फिर से एक बार हैं गौरव झटका, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, ऊपर से गौरव भाई काटेंगे या फिर बादशाह भाई काटेंगे। जगह लेते हुए अपने दूसरे पेज के लिए, और पेज सही हो गया है,
अपनी पतंग को थोड़ा सा गर्दन की तरफ ही बनाए हुए हैं। अब की बार गौरव भाई धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए, पतंग गौरव भाई की थोड़ी सी बाहर की लग रही है, पेज पे देखते हैं कुछ काम करेगी बाहर की पतंग की नहीं। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं और ताकत से अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं बाहर की तरफ। सल्ला खींचा लेकिन थोड़ा पट पे करके खाली करा लिया, एकदम गर्दन के पास बने हुए हैं गौरव भाई। सल्ला कन्ने की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा सा जगह लेके पेज लड़ा पाए। बाहर निकाली फिर से गौरव भाई ने अंदर की तरफ जगह ली, अंदर के मुड्ढे पे ताकत से बादशाह भाई खींचते हुए रुके, बाहर का मुड्ढा उन्होंने ताकत से खींचा और बढ़िया पेज ये कार्ड और दो पेज अपने पूरे कर लिए शेर ए पंजाब दिल्ली के लिए। ऊपर से आशु नीचे से बादशाह भाई अपना तीसरा पेज लड़ाते हुए शेर ए पंजाब दिल्ली के लिए जगह लेते चले आ रहे हैं। पेज सही हो गया है, 350 मीटर की रेंज बीच में अपनी पतंग को बनाए हैं, ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे से बादशाह भाई अपनी पतंग को ताकत से खींचते हुए दोनों पतंगे लेकिन अभी बराबर किए, रेंज को खाली कम कराया जा रहा है। नीचे से बादशाह भाई जगह लेने लग गए, ऊपर से आशु भाई अपनी पतंग को चमका रहे हैं अंदर बाहर पंखा झलते हुए। देखिए ऊपर ही ऊपर पतंग को चला रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए बादशाह भाई ने थोड़ा बाहर की तरफ खींचा, रुके फिर से अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं। बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए आशु धीरे धीरे मुड्ढा बनाया, सीधा रुके, फिर से पतंग को उठा लिया, कोई जल्दबाजी नहीं। बादशाह भाई भी रुके हुए हैं अंदर के मुड्ढे पर जगह लेते जा रहे हैं। आशु ने बीच में फिर से पतंग उतारी और थोड़ा सा रेंज को कम करा लिया, कम से कम 100 मीटर रेंज कम करा लिए, सीधा मुड्ढा बनाया। बादशाह भाई ने थोड़ा सा पट पे खाली कराया, बाहर का मुड्ढा बादशाह भाई ने बनाया, निकलता हुआ आशु ने बनाया, उसी को ताकत से बल्ली अब क्रॉस पट पे खींचा, सीधी पट पे जा रही है ताकत से खींचते हुए और बढ़िया पेज पतंग हल्की से घूम के अंदर की तरफ आई। बाहर की पतंग है बादशाह भाई की और ये पेज काट के अपने 3 पेज पूरे कर लिए शेर ए पंजाब दिल्ली के लिए। तो बादशाह भाई अपनी पतंग को खींच रहे हैं ये ताका से खींचते हुए, पतंग बाहर की तरफ जाके राउंड हो रही। पेज पे आपने देखा था जब पट मारा था तो पतंग अंदर घूमी थी और आशु भाई पेज कट गए थे, पतंग खिंचवाई गई तो बाहर की राउंड हो रही है। अब देखते हैं बादशाह भाई के हाथ में कोई दूसरी पतंग दी जाएगी या फिर प्लेयर रिप्लेस होगा नीचे के पेज के लिए। और तो देखिए फरहान भाई आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं फरहान भाई कंटिन्यू करेंगे या फिर बादशाह भाई के हाथ में पतंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स फरहान भाई ने अपने हाथ की पतंग बादशाह भाई को दे दी, अब बादशाह भाई दूसरी पतंग से कंटिन्यू करेंगे और अब की बार होगा इनका पहला पेज। चलते हैं पेज पे और ऊपर से रोकने के लिए इनको आ गए हैं डंपी भाई। नीचे से बादशाह भाई दूसरी पतंग से पहला पेज, ऊपर से डंपी भाई मुड्ढा रखते हुए, पेज सही हो गया, धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा रखते जा रहे हैं, सीधा मुड्ढा उतारा, बादशाह भाई रोके अंदर के मुड्ढे पर ताकत से खींचा और जैसे ही बादशाह भाई ने पट पर थोड़ा सा मुड्ढा करा ही था कि कट गए, तो बढ़िया पेज काट दिया और एक पेज पूरा कर लिया डंपी भाई ने A1 लखनऊ के लिए। नीचे से जगह लेते हुए लाला, डंपी भाई ने काट के लाला को चांस दे दी है और ऊपर से आ गए शेर ए पंजाब के कैप्टन दीपक भाई। थोड़ा सा घेरते हुए अपनी पतंग को उतार रहे हैं, नीचे से लाला जगह लिए हैं, बाहर की तरफ भारी पतंग देखे ताका से खींचा, अंदर की तरफ झटके मार रहे थे लेकिन काम नहीं आए और बाहर की तरफ सल्ला खींचते हुए लाला ने अपना एक पेज पूरा कर लिया A1 लखनऊ के लिए। तो नीचे से लाला दूसरे पेज के लिए जगह लेते हुए और ऊपर से आ गए हैं वसीम भाई, धीरे धीरे अपनी पतंग को बढ़ करते हुए और नीचे से लाला ऊंचा करके एकदम मुड्ढा दे रहे हैं, बाहर की तरफ पतंग को खींचा, अंदर के मुड्ढे पे सही होने के बाद वसीम भाई अपनी पतंग को खींचते हुए फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए नीचे से लाला और ऊंचे मुड्ढा करते हुए जगह लेते जा रहे हैं। निकलता हुआ बनाया बीच में एकदम पतंग को कर रहे हैं, थोड़ी सी पतंग लाला के कम है, निकलता हुआ मुड्ढा ताकत से बनाया, लाला ने भी बाहर की तरफ खींचा, वसीम भाई बाहर की तरफ खींच रहे हैं लेकिन कट गए, तो दो पेज लाला ने पूरे कर लिए हैं A1 लखनऊ के लिए। तो फरहान भाई अपनी पतंग लंबे करके जा रहे हैं और 4 बज रहा है फ्रेंड्स, तो टिकट की अपडेट ले लेते हैं। चलते हैं पीछे टीम की तरफ, काफ़ी आगे खड़े हुए और ये A1 के मेंबर्स बैठे हुए हैं। चलते हैं डंपी भाई से पूछते हैं क्या अपडेट चल रही है टिकट की। तो ये रहे हमारे डंपी भाई और परदेसी गेम ज़्यादातर A1 का डंपी भाई तय करते हैं। तो डंपी भाई टिकट की अपडेट बता दीजिए क्या है, 4 बज रहा है, 60 टिकट है। अच्छा 60 टिकट है, तो अभी A1 लखनऊ ने 60 टिकट दबा रखे हैं शेर ए पंजाब दिल्ली के और देखते हैं क्या होगा, बढ़िया टीम है शेर ए पंजाब दिल्ली भी। और डंपी भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए, कोई A1 से गेम करना चाहे तो किस नंबर पर बात करें। 9839196000 और ये WhatsApp पे भी है, ये WhatsApp पे भी है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और गेम तय कर सकते हैं A1 लखनऊ से। और कैप्टन है कुणाल भाई और बढ़िया गेम चल रहा है शेर ए पंजाब और A1 लखनऊ के बीच में। नीचे से जगह लेते हुए लाला अपने तीसरे पेज के लिए, ऊपर से आ गए हैं फरहान भाई, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए और दो बार रुका है, एक बार आशु को एक बार लाला भाई को 5वीं पतंग पे। अब की बार देखते हैं कैसे रोकेंगे या फिर 4th पेज अपना पूरा करेंगे। लाला पेज सही हो गया है, 350 से 400 मीटर की रेंज होगी। नीचे से लाला अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके खड़ा करके मुड्ढा दे रहे हैं और अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते चले जा रहे हैं। बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए फरहान भाई पतंग को रोके हुए हैं ऊपर ही ऊपर, पतंग थोड़ी सी फरहान भाई की बढ़ है,
ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को चमकाते हुए काफ़ी ऊंचा करके मुड्डा दे रखा है। देखिए ज़मीन से अगर देखेंगे तो काफ़ी दूर है, अभी बहुत ऊंचा है, तो खड़ी करके एकदम पतंग को लड़ा रहे हैं लाला। पतंग को चमकाते हुए ऊपर ही ऊपर फरहान भाई अंदर के मुड्डे पर पतंग को उतारते हुए नीचे से लाला ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में अपनी पतंग को उतारा, रोका, बाहर की तरफ फिर से पतंग को ताका से खींचते हुए फरहान भाई लाला अंदर के मुड्डे पे पतंग को खींचते हुए करीब करके फरहान भाई ने सीधा कदम मारा, बाहर की तरफ दिखा के तेज थपकियां मारी लाला ने और ये पेच काट के अपने 3 पेच पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। पेच सही हो गया, ऊपर से डमरू भाई नीचे से लाला जगह लेते हुए अपने 4th पेच के लिए A1 लखनऊ। बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए डमरू भाई अंदर का मुड्डा बनाया, धीरे धीरे पतंग को उतारते जा रहे हैं। लाला काफ़ी ऊंचा करके बाहर के मुड्डे पर पतंग को खींचते हुए फिर से अंदर के मुड्डे पर जगह ले रहे हैं। 400 मीटर की रेंज होगी, बाहर के मुड्डे पे खींचने लग जाते हैं, जैसे ही कोई मुड्डा रख रहा होता फिर से अंदर के मुड्डे पे जगह लेते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी पतंग को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए और अंदर के मुड्डे पे जगह लेते चले जा रहे हैं लगातार डमरू भाई, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे गौरव झटका जी बढ़ते हैं। निकलता हुआ मुड्डा बनाया, करीब करा, उसी मुड्डे को ताकत से बोलिए पतंग घूम के सीधी हुई, बाहर तब फिर से थपकियाँ मारी तेज तेज, लेकिन अब की बार एंड टाइम पर थपकियाँ मार दी डमरू भाई ने भी, और बढ़िया पेज ये काट दिया और रोक लिया 4th पेज पर लाला को। तो 1 पेज हो गया शेर पंजाब दिल्ली के लिए। तो ये रहे हमारे फैजान भाई और साथ में मंजर भाई भी हैं। और तो टिकट की क्या अपडेट चल रही है उधर इंटरनेशनल वर्सेस मुरादाबाद में? 4 बज रहा है, 24-25 टिकट, 24-25 टिकट इंटरनेशनल है। दो सत्ते, दो सत्ते किसने का, एक एक सत्ता किसने? अच्छा दोनों भाइयों ने काटे, अरे बहुत मतलब तगड़ा गेम चल रहा है उधर। तो ये अपडेट है और चलते हैं वापस से डम्पी भाई के पेज पे। नीचे से फिर से लड़ाते हुए बादशाह भाई, और ज्यादा से ज्यादा चांसे बादशाह भाई को दी जा रही है। पेस सही हो गया है, ऊपर से रोकने के लिए फिर से डंपी भाई आए हैं। देखते हैं अब की बार काट के किसको चांस देंगे। टिकट की अपडेट आपको पता ही चल गई है, 4 बजे किसके पास कितने टिकट है। बादशाह भाई नीचे से जगह लेते हुए ऊपर से डंपी भाई अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके बीच में उतारते हुए, लेकिन काफ़ी ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को चला रहे हैं। बीच में रोके हुए ऊपर ही ऊपर पतंग को चलाते हुए बादशाह भाई अपनी पतंग का मुड्डा बाहर लेके गए, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए करीब करके ला रहे हैं। निकलता हुआ मुड्डा काफ़ी दूर से बनाया, उसी को करीब करके मारा, करीब करके रुके, रुकने पर फिर से अंदर की तरफ खींचा, फिर से दबाशा भाई पट की तरफ खींचे, दोनों लोग ताका से खींचते आ रहे, कोई काट काट नहीं हो रही। नीचे की तरफ एकदम पेज आ गया है और काफ़ी नीचे आने के बाद डंपी भाई की ये पतंग कट गई। तो 1 पेज हो गया है बादशाह भाई का शेर पंजाब दिल्ली के लिए। तो फ्रेंड बादशाह भाई ने अभी जिस पतंग से काटा वो पतंग पेज काटने के बाद जब तनी दोबारा से मुड्ढा चलाया टूट गई, तो दूसरी पतंग बादशाह भाई की है रेडी है। ये देखिए दीपक भाई कैप्टन शेर पंजाब के अपनी जो पतंग है बादशाह भाई की दूसरी वाली वो देते हुए बादशाह भाई के हाथ में, और बादशाह भाई कंटिन्यू करेंगे बाकी पेज नीचे से। पेज सही हो गया है और दूसरी पतंग लेने के बाद बादशाह भाई का ये दूसरा पेज होगा। एक पेज काट चुके हैं, ऊपर से आ गए हैं कैप्टन कुणाल भाई, सीधा मुड्डा बनाते हुए पट पे खींचा बादशाह भाई ने ताका से खींचते हुए, दोनों लोग दोनों पतंगें पट पे जाए, काफ़ी करीब करके रोका, रोक के फिर से अपनी पतंग जल्दी से उठाई, काट काट नहीं हुई, अपनी पतंग को ताने हुए हैं, लेकिन पेज अभी सही चल रहा है दोनों के बीच में। धीरे धीरे अपनी पतंग को फिर से लंबे करते हुए बादशाह भाई और ऊपर से कुणाल भाई A1 के कैप्टन, और कुणाल भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है लेकिन और लंबे करते चले जा रहे हैं। नीचे से जगह ले रखी है बादशाह भाई ने, दोबारा से अपनी पतंग को धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं कुणाल भाई और लंबे करते चले जा रहे हैं, डोर निकाल के ही लड़ाना चाह रहे हैं अब की बार ऊपर से। नीचे से बादशाह भाई जगह लेने लग गए, पेस सही चल रहा है, कैंसिल नहीं करा गया। कुणाल भाई ने अपनी पतंग को कम से कम 20-25 मीटर बढ़ दे दिया और गर्दन के बाद अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, ज़्यादा ऊपर से अंदर की तरफ जगह नहीं ले रहे। अंदर का मुड्डा बनाया थोड़ा सा पतंग को चमकाते हुए, बादशाह भाई ने और ज़्यादा जगह ली, ऊंचा करा अंदर के मुड्डे पे, निकलता हुआ मुड्डा बनाया, रोका, रोक के फिर से क्रॉस मुड्डा बनाया, पतंग सीधी हुई, बाहर की तरफ खींचा आपकी बादशाह भाई ने, लेकिन तुरंत काट काट हो गई। तो एक पेज कुणाल भाई ने काट दिया है A1 लखनऊ के लिए, और देखते हैं किसी को चांस देंगे कि नहीं देंगे। ये आशु भाई कहाँ दौड़ के जा रहे हैं, कहीं दौड़ के ये दौड़ के गए थे पतंग की डोर जो कुणाल भाई लड़ा रहे थे, ये देख सकते हैं नीचे नीचे है, कहीं झाड़ी में फंस गई थी। ये जा रहे थे कि हम पतंग पकड़ लेंगे और नीचे का पेड़ लड़ाएंगे, लेकिन डोर देखिए पीछे फंसी हुई थी यहाँ पे झाड़ी पे, देखिए भाई ने छुड़ा ली उस जगह पे और पतंग को काट के पीछे की तरफ ले जा रहा है। तो फ्रेंड इनकी पतंग थी लंबे हो रही थी, टूट गई थी, वो झाड़ी में फंस गई, इनको लगा डोर आ गया, ताकत से आगे भागते चले जा रहे थे कि ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो आराम से पतंग को पकड़ लेंगे, और पीछे ही झाड़ी में डोर फंसी थी निकाली, और जिस पतंग से काटा कुणाल भाई ने वो पतंग साकिब की थी, साकिब जा रहा है नीचे से लड़ाने के लिए। तो देखते हैं कि कितने और पेज काट पाएंगे इस पतंग से, और ऊपर का पेज लड़ाने के लिए पिछली बार बढ़िया पेज काटा था, थपकते हुए रोका था लाला को। तो ऊपर से डमरू भाई जगह लेते हुए
और नीचे से साकिब, साकिब के लिए पहला पेज है और डमरू भाई का भी पहला पेज है। काट के अपने मेंबर को चांस दे रहे हैं, अब की बार देखते हैं सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया है। 400 मीटर की रेंज होगी, तो फ्रेंड्स अब की बार डमरू भाई ने किसी को चांस नहीं दी और खुद चले गए हैं नीचे का पेज लड़ाने के लिए। और धोखा डमरू भाई का दूसरा पेज, काफ़ी देर के बाद नीचे की चांस ली है, ऊपर से फिर आ गए हैं A1 के कैप्टन कुणाल भाई। 450 मीटर की रेंज होगी, रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है शाम के समय, पेज ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाने की कोशिश की जा रही है दोनों की ओर से। नीचे से जगह लेते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए रेंज में ही कुणाल भाई A1 के कैप्टन, कोई जल्दबाजी नहीं, नीचे से जगह ले रखी है डमरू भाई ने, बीच में अपनी पतंग को लेके आए काफ़ी ऊंचा करे हुए हैं और ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को और ज़्यादा लंबे करके डोर निकाल लें। देख सकते हैं चक्रों पर चोड़ चुके हैं, पेस सही हो चुका है, धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए नीचे से कोनी बना के जगह लिए हुए हैं डमरू भाई। रेंज में निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी छोल छोड़ के बनाया, रोक के सीधा गद्दा मारा, बाहर की तरफ खींचा डमरू भाई ने भी, ताकत दोनों लगा रहे। और ये पेज फिर से कुणाल भाई ने सीधा गद्दा मारते हुए डमरू भाई को काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया है A1 लखनऊ के लिए। तो ऊपर से आ गए हैं फरहान भाई, ताकत का पेज लड़ाते हैं शेर पंजाब दिल्ली की तरफ से, और नीचे से आ गए हैं ताकत का पेज लड़ाने के लिए आशु। तो देखते हैं किस तरह का पेज लड़ेगा, ताकत का लड़ेगा या दोनों एक दूसरे को फंसा लेंगे। कुणाल भाई ने काट के आशु भाई को नीचे से लड़ाने के लिए चांस दी है, नीचे से अपनी पतंग को चमकाते हुए जगह लेते चले आ रहे हैं, ऊपर से फरहान भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए। पेज अभी सही नहीं हुआ है और पट करके सही कराने के लिए कहा गया है, सही की आवाज़ दी गई, पेज सही हो गया। बीच में अपनी पतंग को रोके हुए फरहान भाई भी, और रेंज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अब 450 मीटर की रेंज में पतंग लग रहा है, ताकत से उसी रेंज में पतंग को ऊंचा करते चले आ रहे हैं आशु। क्रॉस पट बनाया, रोके हैं, रोक के बाहर की तरफ खींचा, बाहर की तरफ निकलता हुआ फरहान भाई ने भी खींचा और रुके लेकिन और कट गए, शायद मुड्ढा बदलने के लिए रुके थे हल्का सा, और उसी वक्त काट काट हो गई और एक पेज हो गया है आशु का A1 लखनऊ के लिए। नीचे से आशु जगह लेते हुए अपने दूसरे पेज के लिए, रेंज करीब 450 और ऊपर से वसीम भाई आ गए, धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए। सही नहीं हुआ है अभी पेज, सही की आवाज़ दी गई, पेज सही हो गया है। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए वसीम भाई, थोड़ा सा पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए वसीम भाई और ताकत से अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं आशु भाई, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बीच में पतंग को उतार रहे हैं समझ लीजिए। बाहर का मुड्ढा आशु भाई ने उसी जगह से बनाया, वसीम भाई ने भी निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, काफ़ी रेंज में दोनों लोग खींचते हुए अंदर की तरफ, वसीम भाई ताकत से खींच रहे, बाहर की तरफ आशु भाई ताकत से खींच रहे, और फिर से आशु भाई ने अंदर के मुड्ढे को ताकत से खींचते हुए काट दिया और दो पेज अपने पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। साहब भाई और जैद भाई, आज का गेम 2-0-7 हुए, एक साहब भाई ने काटा, एक जैद भाई ने काटा, दोनों भाई भाई हैं, साथ में हमारे रंजन जी। टिकट की क्या अपडेट चल रही है जैद भाई? 14 टिकट है। अच्छा 16 टिकट है, 22 थे, अच्छा टिकट कम, कुछ टिकट कम हुए, तो बढ़िया, मतलब 2-7 हो गए इधर से, लेकिन टक्कर का गेम चल रहा है। मुरादाबाद भी बढ़िया टीम है, इमरान भाई की भी बढ़िया टीम है, और ने अभी लगातार हम लोग से 6 टिकट ले लिए। अच्छा लगातार ले लिए, चार एक ने काटे दूर पे और 2 छोटे में काटे, गेम टक्कर का ही लड़ रहा है, बहुत बढ़िया गेम हो रहा है। 24 टिकट आ गए थे हमारे पास, जी, दो बराबर के कटे, 6 ऐसे गए जी, तो अभी 31 में मेरे पास 16 टिकट। हवा हवा बहुत इस वक्त बहुत शानदार है, मतलब जो पतंग के लिए हवा होना चाहिए वो एकदम बंदी हुई हवा मिल रही है, बंदी हवा मिल रही है, मतलब पतंग टिक रही है और पेज बहुत अच्छा, पेज बहुत बढ़िया, तो ये अपडेट चल रही है। चलते हैं वापस अपने गेम की तरफ, तो एक बार फिर से बादशाह भाई शेरे पंजाब की तरफ से आए हैं तीसरा पेज रोकने के लिए आशु को। चलते हैं सीधे पेज पे, रेंज में बीच में रख के ताकत वाले पेज अब लड़ रहे हैं, 450 मीटर की रेंज, सही की आवाज़ हुई, थोड़ा सा पट करके सही करने के लिए कहा, पट पे अपनी पतंग को ले जा रहे हैं, फिर से सही कहा, सही हो गया है। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए आशु अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते आ रहे हैं, बाहर का मुड्ढा आशु ने बनाया, रोका, सीधा मुड्ढा खड़ा बनाया, उसी को लेते हुए डबल होती हुई पतंग जा रही है बादशाह भाई की भी, लेकिन बादशाह भाई ये पेज कट गए, तो 3 पेज हो गए आशु भाई के A1 लखनऊ काइट क्लब के लिए। तो एक बार फिर से फरहान भाई आ गए हैं और ताकत लगेगी पेज पे, देखते हैं कहां तक पतंग खींचेगी दोनों की। नीचे से आशु अपना लड़ाएंगे चौथा पेज, चरखी दिखाते हुए साकिब, चलते हैं पेज पे सीधे, नीचे से जगह लेने लग गए आशु चौथा पेज, ऊपर से फरहान भाई, और फरहान भाई अपनी पतंग को और ज़्यादा बढ़ करके अब की बार लड़ा रहे हैं,
फरहान भाई की पतंग कम से कम 500 मीटर बहुत आराम से होगी। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, पेज अभी सही नहीं हुआ है, नीचे से जगह लेते हुए पट करके सही करने के लिए कह रहे हैं फरहान भाई, शेर पंजाब दिल्ली के मेंबर। अभी पेज सही नहीं हुआ है, सही की आवाज़ दे दी, पेज सही हो गया, अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते जा रहे हैं। ऊपर से फरहान भाई अपनी पतंग को खींचते हुए, फरहान भाई की पतंग थोड़ी सी अंदर की लग रही है, देखते हैं पेज पे डबल होगी क्या। बाहर का मुड्ढा अश्विन भाई ने बनाया, फिर से अंदर का मुड्ढा खींचा, फिर से रोका, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, पतंग को करीब करके चमकाया, चमका के सलग बाहर की तरफ खींचा और डबल होती हुई पतंग जा रही। फरहान भाई ताकत से आशु भाई बाहर की तरफ खींच रहे हैं और ये पेज फरहान भाई खड़ गए। 4 पेज हो गए हैं आशु के A1 लखनऊ के लिए। और फ्रेंड्स काफ़ी आगे से वीडियो बना रहे थे और फरहान भाई ने अपने देखा ही था डबल होता हुआ पेज हो रहा था, ताकत से खींचा था, शायद फरहान भाई कहीं गड्ढा अड्ढा था, गिर गए। चल के देखते हैं पीछे क्या हो गया। तो ये देख सकते हैं जगह खराब है, पीछे भागते हुए देखा नहीं और लड़खड़ा के यहाँ पे गिर गए। 5वां पेज अंदर की तरफ, डमरू भाई अपनी पतंग को उतारते हुए और काफ़ी बड़ पतंग से अबकी बार आशु भाई पट पे रोक खींचा, रुका है, फिर से रुके, बाहर की तरफ सलग ताकत से खींचते हुए निकलता हुआ डमरू भाई ने भी ताकत से मारा, फिर से डबल हो रही है पतंग डमरू भाई की, लेकिन सलग बाहर की तरफ खींचते हुए ये पेज काट दिया और 5 पेज अपने आशु ने पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। पेज सही हो गया है, गिन्नी भाई अपनी दूर वाली पतंग भारी पतंग लेके आए हैं और देखते हैं क्या होगा, फंसाने की कोशिश करते हैं क्या करेंगे। नीचे से मुड्ढा लिया, बाहर की तरफ ताकत से खींचने के रहा, डबल होती हुई गिन्नी भाई की पतंग ताकत से लगातार खींचते जा रहे, तेज तेज झटके मारे, कोई काट नहीं होगा और ये गिन्नी भाई की पतंग कट गई। 6 पेज पूरे कर लिए हैं आशु ने A1 लखनऊ के लिए। तो फ्रेंड्स अब चोट लगने के बाद भी फरहान भाई आ गए हैं जिससे आशु भाई 7 पेज ना काट पाए, देखते हैं क्या करेंगे पेज पे। और ये रहे आशु भाई काफ़ी रेंज में, 7वां पेज अपना लड़ा रहे हैं A1 लखनऊ के लिए। 500 मीटर की रेंज होगी, नीचे से आशु भाई जगह लेते हुए फरहान भाई अपनी पतंग का मुड्ढा बीचों बीच में रख रहे हैं, सही की आवाज़ दी, थोड़ा पट करके सही कराने के लिए कहा है, सही हो गया पेज। नीचे आशु जगह लेते चले जा रहे हैं और थोड़ा सा फटाव बनाते हुए फरहान भाई अपनी पतंग को काफ़ी ज़्यादा ऊंचे आसमान पे तान के अब की बार रेंज को कर रहे हैं कम, थोड़ा सा लगता है रेंज कम करा के लड़ाएंगे। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, 450 मीटर की रेंज, एक मुड्ढा अंदर का बना लिया आशु भाई ने, उसी मुड्ढे को ताकत से जगह लेते चले आ रहे हैं। फरहान भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है और पतंग देख के लग रहा है फिर से हल्की सी अंदर की है, डबल होने की उम्मीद है जब ताकत से भरेंगे। निकलता हुआ मुड्ढा फरहान भाई ने बनाया, बाहर के मुड्ढे पे पतंग को ताकत से खींचते हुए आशु भाई ने थोड़ा पट पे कराया, पट करा के जगह ले रहे हैं, रुके, पतंग को लंबे करने लग गए हैं। फरहान भाई भी अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर रोके हैं, 450 मीटर की रेंज अभी भी है, लंबे करने लग गए हैं दोनों लोग अपनी पतंग को एक ही जगह पे, गर्दन के पास है फरहान भाई की पतंग, आशु भाई अपनी पतंग को लंबे कर रहे हैं, फिर से अंदर का मुड्ढा बनाया और अंदर के मुड्ढे पे पतंग को फिर से धीरे धीरे खींचते हुए, काफ़ी रेंज है, कोई जल्दबाजी नहीं, फरहान भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है, देखते हैं आशु भाई के आज 7 अपने पूरे कर पाएंगे या फरहान भाई चोट लगने के बाद भी काट लेंगे आशु भाई को। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए थोड़ा सा बाहर के मुड्ढे पे आशु भाई ज़्यादा जगह नहीं ले पा रहे हैं, धीरे धीरे पतंग को करीब करते जा रहे हैं, काफ़ी नीचे पेज आ गया है। आशु भाई ने फिर अंदर का मुड्ढा बनाया और अंदर के मुड्ढे पे खींचते हुए गर्दन की तरफ फरहान भाई अपनी पतंग को लेकर पहुँच रहे हैं, आशु भाई की पतंग अब थोड़ी सी बढ़ है फरहान भाई की पतंग से, एकदम गर्दन के पास दोनों पतंगे और पतंग को बचाने के लिए आशु भाई नीचे करते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप चिमनी भी आपको दिखने लग गई, काफ़ी नीचे पेज आ गया, अभी भी पट पे करके खाली करा रहे हैं। फरहान भाई की पतंग थोड़ी सी कम है, काफ़ी नीचे पेज, अंदर के मुट्ठे पे जगह ली, रोका, कोई काट नहीं, किसी ने नहीं खींचा, डबल करी और डबल करके झटके मारे, काट अभी भी नहीं हो रही। आशु भाई ने भी देखी, अब की बार पेज आ गया है, चुस्कियों पर पेज, बाहर की तरफ आशु भाई धीरे धीरे हल्के हाथ से खींच रहे हैं तो पेज आया नहीं, दोबारा के लिए आवाज़ दे दी है तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। 7वां पेज होगा आशु भाई और फरहान भाई के बीच में। तो आपने पेज देखा था, थोड़ा सा घेर के काटने की पूरी कोशिश थी 7वें पेज पे फरहान भाई की, तो आशु भाई ने कह दिया आगे की तरफ आ जाइए, हम लड़ाएंगे अब ऊपर से पेज। तो 7वां पेज अपना कंटिन्यू करेंगे आशु भाई A1 लखनऊ के लिए ऊपर से, और ये रहे फरहान भाई, अब इनको मौका मिल गया है नीचे से लड़ाने का, 7वें पेज को रोकने का भी, तो देखते हैं क्या होगा अब की बार फरहान भाई और आशु भाई के इस पेज पे। 500 मीटर की रेंज में फिर से या थोड़ा सा और ज़्यादा होगा और नीचे से किबा फरहान भाई ताकत से जगह लेते हुए और ऊपर से आशु भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रख रहे हैं। अब देखते हैं, बुला लिया है नीचे से फरहान भाई को, क्या पूरा कर पाएंगे 7वां पेज अपना ऊपर से आशु भाई A1 लखनऊ के लिए।
और बचाने का मौका मिल गया है फरहान भाई को नीचे का पेड़, कि क्या फरहान भाई बचा पाएंगे नीचे की चांस मिलने के बाद। सीधा गद्दा आशु ने बनाया, उसी को मारते चले जा रहे हैं, थोड़ा पट पे फरहान भाई ने भी खींचा, रोका अंदर के मुड्ढे पे आशु ने पतंग को बनाया, फरहान अंदर के मुड्ढे पे ताका से खींचा, तेज थपकियां मार रहे हैं, निकलता हुआ आशु ने मुड्ढा बनाया, थपकियां मार रहे हैं फरहान, अभी भी थपकियां मार रहे हैं, ताका से गद्दा मारते चले आ रहे हैं आशु, वो थपकियां मारते मारते ये देखिए फरहान भाई ने पेज काट दिया और आशु भाई ताका से गद्दा मार रहे थे कट गए। तो फरहान भाई ने रोका आशु को सातवें पेज पे और एक पेज अपना पूरा कर लिया है शेर पंजाब दिल्ली के लिए। तो पेज काटने के बाद फरहान भाई फिर से पीछे की तरफ बढ़ते हुए और चांस दे दी है बादशाह भाई को, बादशाह भाई अपनी पतंग नीचे से लेके आ रहे हैं, फरहान भाई फिर से पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं आपकी बार कौन लड़ाएगा। और कुणाल भाई ने काट के चांस दी थी तो उम्मीद है कुणाल भाई लड़ाएंगे। तो नीचे से बादशाह भाई और ऊपर से कुणाल भाई कैप्टन एवन के जगह लेते हुए थोड़ी सी अब रेंज कम हो गई है, 350 मीटर की रेंज में पेज लड़ रहा है। फिर से कुणाल भाई अपनी पतंग को बढ़ करे हुए हैं और ऊपर से धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए कुणाल भाई सही की आवाज़ दी, काफ़ी दूरी पे ही पतंगे सही हो गई हैं। नीचे से बादशाह भाई जगह लेते जा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा टेढ़ा कराने की कोशिश, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, करीब करा, रोका, फिर से सीधा मुड्ढा कुणाल भाई ने बनाया, बादशाह भाई जगह लेते जा रहे हैं, सीधा मुड्ढा धीरे धीरे उतार रहे हैं और करीब कर रहे हैं एवन के कैप्टन कुणाल भाई, और काफ़ी पतंग बढ़ है कुणाल भाई की और ताकत से अंदर की तरफ जगह लेते हुए बादशाह भाई पतंग कम करके और जगह लेते जा रहे हैं, पट पे करके खाली कराया, ताका से गद्दा बनाया है, निकलता हुआ उसी को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, बादशाह भाई रोके हुए हैं, अभी भी रोके हुए हैं, डबल करते हुए पतंग उठा रहे हैं, ताका से डबल करते हुए पतंग उठा, जैसे ही बादशाह भाई ने खींचा डोर पे की काट काट नहीं हुई, कोई जल्दबाजी नहीं, अंदर के मुड्ढे पर लगातार खींचते हुए, थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो कीड़े भी आ रहे हैं जिसकी वजह से फोकस आउट हो रहा है। अब अंदर के मुड्ढे पे पतंग को खींचते हुए लगातार 300 मीटर की रेंज लगी और नीचे से बादशाह भाई भी देख सकते हैं अंदर के मुड्ढे पे पतंग को बनाए हुए हैं, थोड़ा सा पीछे बढ़ जाते हैं जिससे आप पेज देख सकें। नीचे से जगह ले रखी है बादशाह भाई ने, ऊपर से कुणाल भाई थोड़ा सा पीछे बढ़ गए हैं जिससे आपको पेज दिख सके। बादशाह भाई ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रखा, ताका से गद्दा बनाया कुणाल भाई ने, पट पे खाली कराया, रोका बादशाह भाई ने, सीधा गद्दा ताका से मारते हैं, अंदर दिखा के तेते थपकियाँ मारी, सीधा गद्दा मार रहे हैं कुणाल भाई और ये पेज कट गए। तो एक पेज हो गया है बादशाह भाई का शेर पंजाब दिल्ली के लिए। ऊपर से लाला, नीचे से बादशाह भाई अपना तीसरा पे लड़ाते हुए, लाला भाई ने निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, अंदर के मुड्ढे पे बादशाह भाई ताका से खींच रहे हैं लेकिन ताका से गड़ोते हुए मुड्ढे मार के लाला भाई ने ये पेज काट दिया और एक पेज हो गया है एवन लखनऊ के लिए लाला भाई का। तो दीपक भाई कैप्टन शेरे पंजाब के दूर का पेज लड़ रहा है और डंपी भाई लड़ा रहे हैं एवन की ओर से दूर का पेज, चलते हैं देखते हैं कौन काटेगा, रेंज में पेज लड़ रहा है, 600 मीटर की रेंज होगी। नीचे से सही कहा गया, जगह लेते जा रहे हैं डंपी भाई, ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए दीपक भाई कैप्टन शेरे पंजाब, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया डंपी भाई ने, रोका, निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे दीपक भाई भी, फिर अंदर का मुड्ढा दिखाया, रोके हुए हैं, डबल करते हुए दीपक भाई अपनी पतंग उतारे, ताका से बाहर की तरफ खींचा, रोका, चुस्कियों पर पेज कंठी मार के रखा डंपी भाई ने और चुस्कियाँ चल रही हैं, दोनों लोग चुस्कियाँ मारने लग गए हैं, कंठी मार के रख लिया है, अब देखते हैं कौन काटेगा और ये पेज डंपी भाई ने काट दिया है दीपक भाई को और एक पेज अपना पूरा कर लिया है 650 मीटर की रेंज में एवन काइट क्लब लखनऊ के लिए। तो फिर से एक बार रेंज का पेज हो रहा है 5:20 और ऊपर से आ गए हैं तीसरा पेज लड़ाने के लिए डंपी भाई रेंज वाला, नीचे से जगह ले रखी है, ऊपर से हैं वसीम भाई चरखी वाले, सही कह दिया है, अंधेरे की वजह से थोड़ा सा रेंज कम है, ऊपर से वसीम भाई मुड्ढा रखते हुए बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए डंपी भाई फिर से बाहर की तरफ लाते हैं, कंठी मार के रख लेते हैं, अब की बार देखते हैं, अब की बार वसीम भाई अंदर के मुड्ढे भी पतंग को उतारते जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊँचा करा, 500 मीटर की रेंज होगी, अंधेरा हो रहा है इसलिए ज़्यादा दूर लग रही, निकलता मुड्ढा बनाया वसीम भाई ने, उसी को ताकत भरी, डबल करते हुए धीरे धीरे झटके मारते हुए ऊंचा करा बाहर की तरफ, डंपी भाई अपनी पतंग को लेकर आया चुस्कियों पर रखा, चुस्कियाँ चल नहीं, कोई काट काट नहीं, दोनों लोग अपनी चुस्कियाँ मार रहे और फिर से डंपी भाई ने धीरे धीरे चुस्कियाँ निकालते हुए ये पेज काट के तीन पेज पूरे कर लिए रेंज में। तो फ्रेंड्स गेम यहाँ पर एंड हो गया है, माल पैक करते हुए सब लोग, रेंज का पेज भी लड़ गया, ये रहे हमारे वसीम भाई रेंज का पेज लड़ा रहे थे और कैप्टन दीपक भाई हैं हमारे, तो उनसे अपडेट ले लेते कौन सा क्लब कितने टिकट से आज का गेम जीता है। तो ये रहे हमारे दीपक भाई, तो दीपक भाई आज का गेम का क्या रहा, क्या अपडेट है भाई? आज के गेम के हमारे 15 पर्चे कम रहे भाई डंपी भाई से, 15 पर्चे से शेरे पंजाब का गेम घटा है एवन लखनऊ से। और गेम कैसा रहा फरहान भाई? एक नंबर क्योंकि 3 बजे से पतंगे लड़ी है, उसके बाद भी पतंग पे पतंग लड़ती रही लगातार, बेहतरीन, कम टाइम में ज्यादा पेज हो पाए, कम टाइम में बढ़िया पेज काटे हैं, दो इन्होंने काटे हैं भाई। अच्छा जी, 13+2=15, तो मैंने काटे फरहान भाई ने बढ़िया, एक साथ भी रोका आज, चोट लगने बाद भी हाथ सही है, अब आराम है पहले से, चलिए अल्लाह का शुक्र है। और चोट लगने के बाद भी सातवां पेज रोका था आपने, देखा था बढ़िया पेज लड़ाया, ये रहा हमारे गिन्नी भाई। गिन्नी भाई क्या कहना चाहते हैं?
बहुत बढ़िया पेज लड़ाया गया डंपी की तरफ से सबने जी, और बढ़िया गेम काटा उन्होंने, बढ़िया गेम लड़ा और बहुत शौक अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया शौक हुआ, शौक अच्छा हुआ, कम टाइम में बढ़िया पतंगे लड़ गए, बढ़िया पतंगे लड़ गए। तो फिर से कब आना होगा गिन्नी भाई? जनवरी के बाद। अच्छा, फरवरी वरी की फिर से प्लान है मतलब आने का? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो काफ़ी अंधेरा हो गया, देख सकते हैं लाइटें भी खुल गई हैं, और एक बार चलते हैं एवन क्लब के पास भी, उनसे भी बात करते हैं कैसा रहा आज का शौक। और ये रहे हमारे एवन क्लब के मेंबर कुणाल भाई, डंपी भाई। तो शौक कैसा रहा डंपी भाई आज का? भाई बढ़िया, टीम थी, बढ़िया बढ़िया लोग भाई, और बढ़िया ही शौक हुआ। बढ़िया, 3 बजे के बाद भी कोई मतलब नहीं है भाई, नहीं हमारा एक घरेलू संबंध है हमसे, कोई ऐसी बात नहीं। 3 बजे के बाद पतंगे बहुत लड़ गई, पतंग बहुत बढ़िया, वरना 3 बजे के बाद 5 बजे तक के में ज्यादा पतंगे लड़ ना पाती, 2 घंटे में बहुत पतंग लड़ी, बीच में आधा घंटा बंद करी, बंद करी लंच ब्रेक का। बहुत बढ़िया पतंग लड़ी आज दोनों के बीच में, एवन लखनऊ और शेर पंजाब दिल्ली के बीच में, और आज का गेम लखनऊ एवन जीत गया। हमारे वजीर भाई और फैजान उस्ताद भी आ गए, तो उधर की अपडेट ले लेते क्योंकि अंधेरा हो गया, इधर की गेम बनाते बनाते काफी लेट हो गया। 20 टिकट से इंटरनेशनल काइट क्लब, तो 20 टिकट और 2 सत्ते, उधर से भी कोई स्कोर बढ़ा हुआ? कोई स्कोर नहीं हुआ। तो ये अपडेट थी इंटरनेशनल और मुरादाबाद की, और बढ़िया गेम लड़ा। और इधर हमारे मुलाकात करते हुए फैजान भाई गिन्नी भाई से, गेम एंड रहा, बढ़िया गेम लड़ा दोनों के बीच में,